धर्मेंद्र कुमार एंड वेलकम टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस टीएस 10। प्रीवियस क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, इसका नाम था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है उसमें हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे। तो हमने रेस्पिरेशन को देखा, रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है, उसका क्या फायदा है, ठीक है, वो होता क्यों है, कैसे होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। सपोज ह्यूमन बीइंग्स में हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, गाय भैंसों में ब्रीथिंग करते हैं, लेकिन जो जो फिश है, जो टर्टाइल्स है, ठीक है, तो उनमें जो है वो रेस्ट, मतलब वो सांस नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने गिल्स से जो पानी में जो ऑक्सीजन होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको खींचते हैं, ठीक है, तो उनका एक प्रोसेस डिफरेंट होता है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं थोड़ा सा आगे, उससे पहले हम देख लें कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ा था और हमने पढ़ा था इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है वो हमने पढ़ा था, और इंटरनल क्या होता है वो पढ़ा था, दोनों में हमने डिफरेंस पढ़ा था। तो एक बार फिर से डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, इट्स टेक प्लेस द सेल्स इन द लंग्स, ठीक है, इट टेक प्लेस विद इन द सेल्स, ये सेल्स के अंदर में होता है या आउटसाइड ऑफ द सेल्स होता है, ठीक है, इन द फिजिकल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज ऑक्सीजन, डिफ्यूजन ऑक्सीजन डिफ्यूज इन कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट। हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं बाहर, तो उसका डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, एक फिजिकल प्रोसेस है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है का सेलुलर रेस्पिरेशन। देयर इज नो रिलीज ऑफ एनर्जी, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है उसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है, लेकिन जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है उसमें एनर्जी रिलीज होती है। एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व, जो एक्सटर्नल प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन होता है, उसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो इंटरनल रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग को हमने स्टडी किया था, अब हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म मतलब, मैकेनिज्म क्या होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं रूल्स, नियम, ठीक है। बी ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स, हम लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं, हम नाक से ब्रीथ नहीं करते हैं, हम मुंह से ब्रीथ नहीं करते हैं, हम लंग से ब्रीथ करते हैं, समझे, इसको ऐसे समझते हैं। सपोज मैं अपनी नाक बंद कर लेता हूं तो मैं करूंगा, मतलब मुंह से सांस ले लूंगा, मैं मुंह बंद करूंगा तो मैं नाक से सांस ले लूंगा, मैं दोनों बंद करूंगा तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हम लोग ना तो मुंह से सांस लेते हैं ना ही हम नाक से सांस लेते हैं, हम लंग से सांस लेते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। Which are present in the chest cavity? Cavity आपने पहले सुनी होगी, लेकिन वो cavity का यहाँ different type meaning है, ठीक है? जो chest cavity में मौजूद होते हैं, this chest cavity also known as thoracic cavity. This cavity is surrounded by ribs on both the sides, which forms a case-like structure called rib cage. Rib cage क्या होती है? मतलब हमारे जो लंग्स के चारों तरफ जो पसलियां होती हैं, जो आप देख सकते हैं ना यहाँ पे, आपको टच करने में फील होगी, उनको हम बोलते हैं रिब्स, रिब केज। अ लार्ज मस्कुलर सीट्स कॉल्ड डायग्राम फॉर्म ऑफ द फ्लोर ऑफ द मूवमेंट ऑफ बोथ द डायग्राम डायग्राम्स एंड द रिब केज
Our lungs are attached to the windpipe called trachea. जो विंड पाइप होता है मतलब ये कि जब नाक से हवा लेते हैं तो यहां पे आके मिल जाती है वो, है ना, यहाँ पे जाके मतलब वो मिल जाती है जो मुंह से और जो नाक वाली जो जो जगह है वो यहाँ पे जाके मिल जाती है। और फिर उससे क्या होता है, यहां से जाने के बाद क्या होता है, जो नाक जो मतलब सांस नली होती है वो अलग होती है और जो खाने के जो खाना हवा जिससे अंदर जाता है वो अलग होती है। तो जिससे जो सांस जाती है ना उसको बोलते हैं हम ट्रेचिया, विच लीड्स टू आउटसाइड थ्रू द अवर नोस्ट्रिल्स। When we inhale air, it first pass through our nostrils into the nasal cavity and from the nasal cavity and the air reaches our lungs through the windpipe or trachea. तो windpipe और जो trachea हम जिसको बोलते हैं उससे क्या होता है, हमारी जो air है वो कहाँ पे जाती है, lungs में जाती है, यहाँ पे जाती है, आप इसको diagram में देख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, इनहेलिंग और इंस्पिरेशन, इनहेलिंग और इंस्पिरेशन क्या होता है, ड्यूरिंग इनहेलिंग द रिब्स मूव्स अप आउटवर्ड्स बाय द डायग्राम मूव डाउन, इट्स मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन द चेस्ट कैविटी इन द रिड्यूस रेस्पिरेशन इन साइड कैविटी द एयर आउटसाइड nostril which at the higher pressure these rush into lungs and the lungs gets filled with air. Inhaling or expiration, the ribs moves down and towards while the diaphragms moves into this its former position, it's reduced the size of the chest cavity and this increase the pressure inside the chest cavity, its pressure with the air and out of the lungs, these breathing movements can easily be felt in our body. मतलब क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो जो हमारी जो ribs हैं, जो हमारी chest cavity है, उसमें pressure generate होता है, उस pressure से क्या होता है, जो हमारी हमने जो oxygen ली है, वो oxygen blood के अंदर मिलती है और वो ब्लड से मिलकर वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में फ्लो होती है, यहाँ पे हमारे हाथों में पैरों में सब जगह हो जाती है, सभी सेल्स में हो जाती है, फिर वहां से ऑक्सीजन वो सेल्स को देती है और फिर वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है वो वहां से लेके आती है, कौन लेके आता है, ब्लड लेके आते हैं, ब्लड लेके आता है, सारी जो ब्लड है वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जमा करता है, वो जमा करता है लंग्स में, लंग से बाहर उसको फेंक देते हैं, ठीक है, यही होता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एनोरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा, इसमें हमें रिएक्शन भी देखने को मिलेगा थोड़ा सा। इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो किसमें, ऑक्सीजन में प्रेजेंट होता है। द रेस्पिरेशन टेक्स दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इट्स कैरीड आउट इन द बॉडीज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। Here, food in the form of glucose is completely oxidized, leading the release of carbon dioxide, water, and large amount of energy. The chemical equation of aerobic respiration is. यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज होता है और उसमें पानी रिलीज होता है। तो देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है वो याद रख लीजिए आप, C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6, ठीक है, प्लस इसमें 6O2 और ऐड होता हो जाता है तो क्या हो जाता है, O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या हो जाता है, तो
इससे क्या होता है 6 CO2 बाहर निकल जाते हैं, 6 CO2 बाहर निकल जाते हैं प्लस 6 H2O, ठीक है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, क्लियर हुआ। 6 कार्बन थे, 6 कार्बन यहां पे है, ठीक है, एच 12 में था यहां पे, तो 6 × 6 = 12 एच 12 यहां पे हो गए, ओ 6 था ओ 6 यहां पे हो गए, ठीक है, और ये 6 × 12 तो यहां पे 6 × 12 ये ऑक्सीजन पे हो गए। इस तरह से हमारी जो है वो बैलेंस हो जाता है पूरा रिएक्शन, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं एरोनॉटिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक मींस विदाउट एयर, एनारोबिक मतलब विदाउट एयर। द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट सम बैक्टीरियाज ऑब्टेन एनर्जी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो उसमें क्या होता है, इसमें भी ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज किस में होता है, एथाइल अल्कोहल टूटता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बनती है और प्लस एनर्जी भी वहां से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इसमें डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या डिफरेंस है। इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के प्रोसेस में होता है, इसमें ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इट्स फूड कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, इसमें जो फूड है वो कंप्लीटली ब्रोकन डाउन होता है, इसमें क्या होता है, फूड इज पार्शियली ब्रोकन डाउन, इसमें पार्शियली ब्रोकन डाउन होता है। द एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इसमें क्या होता है, इसके एंड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है, इसमें क्या होता है, एथाइल अल्कोहल प्लस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और फोर्थ और लास्ट है, इट प्रोड्यूस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें कंसिडरेबल ऑफ अमाउंट एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसमें, और इसमें लेस एनर्जी, इसमें छोटी सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में होता है, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं क्या, डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो आप इसको एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा, और कोई डाउट होता है, कोई चीज समझ नहीं आती है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉपी और चेक करने के लिए आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, ठीक, थैंक यू फॉर द